धनबाद कांग्रेस पार्टी द्वारा 15 नवंबर से 29 नवंबर तक केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। महंगाई के खिलाफ जारी अभियान बागमारा प्रखंड के मोहलीडी पंचायत के निचितपुर टाउनशिप, पुराना क्वार्टर कोलियरी ऑफिस कॉलोनी, बी टाइप आदि क्षेत्र पहुंचा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की बागमारा प्रखंड कमेटी द्वारा प्रभात फेरी सह जन जागरण अभियान में मुख्य रूप से जिला कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार वर्मा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद इशराफिल उर्फ लाला, जिला सह प्रभारी सतीश केंडिया, प्रभारी राजेश्वर सिंह यादव, बागमारा प्रखंड के सह प्रभारी संजय सिंह चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शहजादा हुसैन सहित अन्य लोग शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने जन जागरण अभियान के द्वारा आम लोगों को केंद्र सरकार की नाकामी को बताने का काम किया। केंद्र सरकार को जनता को ठगने तथा महंगाई से लोगों को त्रस्त करने की बात कही। वहीं जिला कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन यह नारा केवल चुनावी जुमला बनकर रह गया है। पेट्रोल डीजल का दाम 100 से पार हो गया है तो सरसों का तेल 200 के पार हो चुका है। नौकरी के वादे किए गए वह भी पूरा नहीं हुआ। आज लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। देश की जनता को ठगने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। आम लोग महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार फिर दोबारा नहीं चाहिए। 2014 से पूर्व जब सब मोदी जी की आज सरकार में आने से पहले उन्होंने देश से जो वादा किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, काला धन वापस लाने की बात की, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, उन्होंने इन सारे लुभावने वादों के साथ देश के सत्ता में आए और आने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये एक चुनावी जुमला था, तो देश के साथ उन्होंने छल किया, धोखा किया। और आज जो लोग 30-35 का पेट्रोल देने की बात करते थे, जो महंगाई कम करने की बात करते थे, आज स्थिति ये है कि ये भाजपा की सरकार 200 रुपया से भी ऊपर सरसों का तेल और 200 रुपया दाल का दाम कराने वाली ये भाजपा सरकार ही है। तो आज स्थिति ये बनी है कि महंगाई को लेकर के आम जनता त्रस्त है, रोजगार है नहीं, बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 15 दिन का ये जन जागरण अभियान एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत हम मोदी सरकार की ये नाकामी को हम बता रहे हैं लोगों को और आम जनता को इससे जोड़ रहे हैं, ताकि जो सरकार देश के साथ छल कर सकती है, देश को धोखा दे सकती है, जिनके लोग आज़ादी को भीख कह सकते हैं, वैसे लोगों को ये लोगों को बता रहे हैं कि आप इनको नकारिए, तभी ये महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। 70 साल लगा कांग्रेस को 70 रुपया सरसों तेल करने में, पेट्रोल डीजल करने में, इन्होंने 7 साल में 200 रुपया सरसों तेल, 200 रुपया दाल और 100 डीजल पर, 100 से ऊपर पेट्रोल का दाम इन्होंने किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस अभियान के तहत हम लोग आज जगह जगह प्रभात फेरी, पद यात्रा, नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं और इस नाकाम सरकार को हर हालत में 2024 में उखाड़ फेंकने की जिम्मा हम लोगों ने लिया है। और हर हालत में ऐसी नाकाम सरकार, गरीबों को दमन करने वाली सरकार इस देश में जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही इस महंगाई से मुक्ति दिला सकती है। इन्हीं को लेकर के हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाया है। कांग्रेस